ने मना कर दिया है सर। हम ना आपको छोड़ रहे हैं, हम आपको जाने का आपका काम है, आप कैसे बचाएं, वो हमारा काम नहीं है। नमस्कार, न्यूज लॉन्ड्री में आपका स्वागत है। अभी हम हैं करनाल रोड पे, जहां हमें दो लोग मिले जो बैग लेकर जा रहे थे। हमने उनसे बात किया तो पता चला कि ये लोग तिहाड़ जेल से आ रहे हैं। एक इसमें से हैं जो 8 साल तिहाड़ में रह के आज पहली बार छूटे हैं, और दूसरे हैं जो 7 साल रह चुके हैं। अभी आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोरोना को देखते हुए जेल में लोगों की संख्या कम हो, इसके लिए उन लोगों को छोड़ा जाए जो लंबे समय से जेल में है या उनको जमानत लेने वाला कोई नहीं है। जिसके बाद तिहाड़ ने भी लगभग 1500 लोगों को छोड़ने का फैसला किया, और बाकी जेलों में भी इसको लेकर फैसले हो रहे हैं। लेकिन इन लोगों को जब जेल से छोड़ा गया है तो जेल के बाहर छोड़ दिया गया और कह दिया गया कि आप लोग अपने अपने घर चले जाइए। हम इनसे बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या हुआ। सुबह छोड़ा जी उन्होंने। अच्छा। हाँ, कल सुबह छोड़ा जी। हाँ। रात दिल्ली में रह जी। हाँ। सर जो है पैदल आ रहे दिल्ली से। अच्छा। हाँ, तो आप लोगों ने गाड़ी वाड़ी के इंतजाम के लिए नहीं बोला? नहीं सर जी, उन्होंने कोई साधन नहीं करा सर, कोई साधन नहीं करा उन्होंने, कोई साधन का इंतजाम नहीं किया सर। क्या कहा कि चले जाओ? हाँ चले जाओ, छोड़ दे हमने तो आपको। जी जी, आप अपने बच्चों में जाओ जी। और जो है जी 7 तारीख को आपको जो है 6 महीने की 7 तारीख को आपको पैसा होना है। अच्छा जी, फिर से वापस आना है। हाँ जी। तो आप अपने बच्चों से बात नहीं किए? कोई आ नहीं सका? ना सर, कोई आ नहीं सकता सर, माहौल ऐसा चल रहा सर जी। तो आप पैदल ही चले जाएंगे? दिल्ली से कितना दूर पड़ता है सर जी? दिल्ली तो बहुत दूर पड़ा जी, लगभग फिर भी सर जी कल लगा लो कम से कम 150 किलोमीटर पड़े, 100 किलोमीटर। तो आप कितने सालों से जेल में हैं अभी? मेरे 7 साल हो गए जी। तो 7 साल बाद आप पैदल अपने घर जा रहे हैं? हाँ सर, देखो नसीब देखो सर जी। हाँ जी। नाम क्या आपका? रमेश है जी। रमेश जी, तो 7 साल बाद आपको रिहाई मिली है, तो मतलब 8 सप्ताह के लिए, फिर भी 8 सप्ताह बहुत है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। तो आपको, आपके बच्चों को भी खुशी होगी, लेकिन कोई आपको लेने नहीं आ पाया? नहीं जी, नहीं सर। अच्छा सर, परेशानी हो रही सर, घर वालों को परेशान नहीं सर, जब हम भी परेशान नहीं। चंद्रवान जी। और जी 8 साल से मैं जेल में हूँ, 304 के मुकदमे में, लड़ाई झगड़े में हूँ, आज से मर्डर हो गया जी। जी, तो आज आप छूटे हैं तो कोई घर वाला लेने नहीं आया 8 साल बाद? कोई घर वाला नहीं, इसी कोरोना के चक्कर में, परेशानी के चक्कर में कोई नहीं आ पा रहा। हाँ। बहान नहीं तो। तो आपकी प्रशासन से बात हुई और जेल प्रशासन से आपने कहा कि हमारे लिए इंतजाम कीजिए घर जाने के लिए? मतलब सर उन्होंने सब मना कर दिया, जाना चाह रहे जाओ, नहीं तो बाद में देख लेना। जी जी, हमारा काम छोड़ रखा है, आपका काम है जाना। तो आपको जमानत मिल गया है? मैं पक्की रिहाई, बरी हो गई है। हाँ, बरी हो गई। तो आप अभी जो यहाँ से जा रहे हैं, कितना टाइम लगेगा आपको पैदल घर पहुँचने में? अब तो ये तो सर पता नहीं है, अब ये 60 किलोमीटर है, अभी पता नहीं कब तक पहुँचेंगे। बिल्कुल जाने आने का इंतजाम कर रहे हैं जी जी, बट वो स्टेट के बाहर, लेकिन वो लोग हरियाणा ही जा रहे थे, पानीपत के थे दोनों लोग। ऐसा है कि अगर आपने मुझे बताया कि आपका कोई रिश्तेदार रहता है दिल्ली में और आप उसके घर जा रहे हो जी जी, और उसके बाद फिर आप निकल लो पैदल जी जी, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता ना, आप जो बताओगे वही तो मैं मानूंगा ना जी जी। तो हो सकता है कि उसके जो रिश्तेदार जिसके घर जाना चाह रहा हो वो न मिला हो, फिर वो सीधे अपने घर की तरफ निकल गए हो जी जी। तो हम यहाँ से डेली प्लान बना करके जी जी, और स्टेट के जो दिल्ली से बाहर के लोग हैं उनको उनके घर छुड़वा रहे हैं गाड़ी से जी जी। तो DAP की सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं इस काम के लिए। अच्छा, तो उनका आरोप क्या गलत है? क्योंकि दो लोग थे, दोनों ने, लोगों ने ऑन कैमरा कहा है कि हमें गाड़ी नहीं दी गई। नहीं, अब वो जो भी कह रहे हैं वो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो फैक्ट है जी जी। ठीक है जी जी। क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, उससे मुझे वो मैं बता नहीं सकता जी जी, क्योंकि बहुत सारे लोग तो वैसे भी होते हैं जो सरकार के सारे एफर्ट को तो कहना ही चाहते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही जी जी, है ना जी जी। तो वो सही नहीं है, बिल्कुल गलत कह रहे हैं वो। तो आप लोग सुविधा दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं जी जी। हमने नहीं भी तो 50 से ज्यादा लोगों को अब तक उनके घर भी छुड़वा लिया है जी जी, और डेली हम भेज रहे हैं लोगों को।